हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स. आई एम नेहा एंड आज हम टॉपिक करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब ये ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सबका ही होता है, क्योंकि जो भी काम या जो भी फंक्शन एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली किस लिए करते हैं? हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए. ठीक है, अभी जो अपना ये HRM है, इससे कैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा? बाय बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज से इधर मतलब है जो आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका इस तरह से बेस्ट यूज करना है. ठीक है, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए. आगे बढ़ते हैं, और क्या करता है आपका HRM? राइट टाइप ऑफ पर्सनल फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम. इसका काम क्या है कि जो भी पर्सनल यानी जो एम्प्लॉयज आप हायर कर रहे हैं, मतलब राइट पर्सनल यानी जो आपका जॉब है उसकी सारी स्किल्स, उस जॉब से रिलेटेड सारी स्किल्स उस पर्सनल में, उस एम्प्लॉय में, उस इंडिविजुअल में होनी चाहिए. ठीक है, या जो एक्सपीरियंस है उस काम को करने का, उस जॉब को करने का, वो सारी चीजें उस पर्सनल में होनी चाहिए. और एट राइट टाइम यानी जब जरूरत है, जब वैकेंसी है तभी उसको फिल करना है. ये नहीं कि जरूरत खत्म हो गई है आप बाद में वैकेंसीज फिल करें. मतलब राइट टाइम पर और राइट जॉब पे राइट पर्सन होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं आप एफिशिएंसी. HRM का और क्या काम होता है? एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स अपडेट करते रहना. ठीक है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, इम्प्रूव हो जाए और एफिशिएंसी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाए. और देखते हैं, मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशंस एमंग एम्प्लॉयज. यानी आपके एम्प्लॉयज हैं, काम करते हैं. अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सब एम्प्लॉयज में होता है ना, क्योंकि अलग अलग वो लोग स्टेट से होते हैं, अलग अलग किसी का लैंग्वेज अलग होता है ना, सबका थिंकिंग अलग होता है, तो थोड़े बहुत जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. तो उसको सॉल्व करना किसका काम होता है? अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और उनके अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और HRM क्या करता है. इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज यानी आपके जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बहुत बेस्ट और इफेक्टिव यूज करना. उसका रीजन क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हम इतना सब कर रहे हैं? बिकॉज ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड बाय देम. देम इधर मैं यूज कर रही हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए. अभी जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वही तो लोग हैं जो बाकी सब रिसोर्सेज को, मशीन्स को, ठीक है, आपका जो इनपुट्स है, आपके सब फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो जाए, या जो आपका प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, या सेल, प्रोडक्शन, प्लानिंग जो भी है वो सब काम कौन करते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज सारे काम करते हैं. तो जब ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर मोटिवेट करेंगे, तभी तो बाकी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो पाएगा, तभी तो वो अच्छे से यूज करेंगे. लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनके पास कोई स्किल्स नहीं है तो नुकसान ही नुकसान करेंगे वो, है ना. आगे बढ़ते हैं, एनजीओ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर ट्रेनिंग और उनका डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है बाय ऑफरिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग. ठीक है, ताकि वो कुछ नया सीखें. और ठीक है, HR का ये भी काम होता है. और देखते हैं, सेटिस्फाई नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. आप जो इंडिविजुअल्स हैं, आपके एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं, उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना है बाय ऑफरिंग वेरियस मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवार्ड्स. ठीक है, मॉनिटरी के नहीं, इन टर्म्स ऑफ कैश, और नॉन मॉनिटरी जो है कैश के टर्म्स में नहीं होता है, जैसे रिस्पेक्ट वगैरह, रिकॉग्निशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो ये सब चीज़ें उनको ऑफर की जानी चाहिए ताकि उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए. अभी पॉइंट ये उठता है कि नीड्स क्यों सेटिस्फाई की जाए, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय की कोई नीड है उसे आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो मोटिवेट होगा कि मेरी ये ज़रूरत है और कंपनी मेरी ज़रूरत को पूरा कर रही है, अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं कंपनी के लिए कुछ करूं. ठीक है, वो अंदर से मोटिवेट होगा. अब जैसे कि आप ही हैं, आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा मार्केट से सब्जी ले आना, ये ले 100 रुपये, आप नहीं लेके आओगे, शायद मना भी कर दो, लेकिन आपकी मम्मी बोलेगी बेटा ये ले 200 रुपये, 150 की सब्जी आएगी, 50 रख लियो, भाग के जाओगे, है ना, आपको एक मॉनिटरी इंसेंटिव मिला. ऐसे ही एम्प्लॉयज के साथ होता है, उनको भी बीच में अगर कोई प्रॉफिट या मार्जिन या कोई कुछ भी जो है अमाउंट
जो भी नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है इससे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अगर उनकी नीड सेटिस्फाई कर दी जाए तो वो अपना बेस्ट देते हैं। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड वेलफेयर फैसिलिटीज टू वर्कर्स। उनको काफ़ी सर्विसेज और वेलफेयर फैसिलिटीज भी देनी जरूरी है वर्कर्स को, जैसे कि फेयर वेजेस, हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस। अब ऐसा क्यों क्यों दे भाई हम ये सब, उसका भी एक रीज़न है, आप वेजेस फेयर वेजेस नहीं दे रहे हो, बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आप बहुत कम दे रहे हो, या फिर सब लोग टाइम पे वेजेस देते हैं लेकिन आपकी कंपनी टाइम पे वेजेस नहीं देती है, सारे के सारे एम्प्लॉयज भाग जाएंगे, कोई ढंग से काम नहीं करेगा, या फिर हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस नहीं है, बीमार हो रहे हैं आपके वर्कर्स, तो एक दूसरे को देख देख के सारे बोलेंगे चलो जाओ यहाँ से, किसी और कंपनी में चलते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है HRM या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को करनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।